नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी मेधा रूपम, उप जिलाधिकारी नवाबगंज के साथ हिंद अस्पताल बाराबंकी में कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और साथ ही भविष्य में कोरोना ग्रसित रोगियों के चिकित्सालय में आने की दशा में कैसे उनको क्रमशः चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी, इन सब की भी समीक्षा की। देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह ने कोरोना वायरस के बचाव एवं पूरे जनपद की ताजा स्थिति से अवगत कराते हुए जनपद वासियों से कहा कि अभी तक पूरे जनपद में एक भी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज नहीं पाया गया। साथ ही जनपद वासियों को संतुष्ट करते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते पूरे जनपद में किसी भी खाद्य औषधि वस्तु की कमी नहीं है, ना ही होने दी जाएगी। सभी जनपद वासियों से अपील की कि लॉकडाउन का पालन करें, कम से कम घरों से बाहर निकलें और जिस चीज की कमी महसूस हो तो संबंधित SDM, कंट्रोल रूम डायल नंबर 112 आदि नंबरों पर सूचित करें। सभी आवश्यक तैयारियां सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नमस्कार, आज दिनांक 1 अप्रैल 2020 को मैं जिलाधिकारी बाराबंकी जनपद बाराबंकी के सभी नागरिकों को एक बार फिर ये तथ्य उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद बाराबंकी में एक भी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज नहीं है, एक भी मरीज कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव नहीं पाया गया है। आज हमारा लॉकडाउन के दिन मुझे कुछ बातें आप सबको बतानी है। आज के दिन से हमारे कोटेदारों द्वारा इस महीने का राशन वितरण आरंभ किया गया है और उसमें भी मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आप सबकी सहयोग की वजह से सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की एक मिसाल हम लोग ने प्रस्तुत की है। सभी ने अनुशासन कायम रखा है और सभी ने बहुत ही संयम के साथ जो है सामाजिक दूरी अपनाते हुए अपना राशन प्राप्त किया है। कहीं पर भी राशन वितरण में यदि समस्या आ रही है या फिर कुछ और घटतौली की बात आती है तो आप लोग तत्काल हमारे जो कंट्रोल रूम नंबर है 2248 49 या 2208 17 उस पर कॉल करके बता सकते हैं या फिर संबंधित SDM सप्लाई इंस्पेक्टर या जिला पूर्ति अधिकारी को भी आप बता सकते हैं। लॉकडाउन के चलते बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरे जनपद में आम जनमानस को खाद्य सामग्री आवश्यक वस्तु की कोई कमी ना हो। आपको बता दें कि जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी बाराबंकी के सनी फ्लोर मिल रामनगर तिराहा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फ्लोर मिल क्रियाशील पाई गई तो वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित फर्म के स्वामी को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में जनपद में आटे की कमी नहीं होनी चाहिए तथा लगातार इसके उत्पादन का कार्य जारी रहना चाहिए। ये थी बाराबंकी से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।